make a comment like that. हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। टीवी की क्वीन हिना खान इन दिनों सातवें आसमान पर है, और हो भी क्यों ना, आखिर वो पहली टीवी एक्ट्रेस है जो कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर जलवा बिखेर रही है। कांस के पहले दिन हिना खान ने अपना जलवा दिखाया था। रेड कार्पेट डेब्यू पर उन्होंने शिमरी गाउन पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट नजर आई। जहां हिना के कांस में डेब्यू करने से सभी खुश थे, वहीं हाल ही में हमने आपको बताया था कि फिल्म एडिटर जितेश पिल्लई ने उनका मजाक उड़ाया था, जिस पर पूरी टीवी इंडस्ट्री उन पर टूट पड़ी थी और सभी ने ट्वीट कर उनकी जमकर लताड़ लगाई थी। यहाँ तक कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी हिना का सपोर्ट कर चुके हैं। हेलो, वेरी थॉटफुल ऑफ द एडिटर टू मेक अ कमेंट लाइक दैट ऑन हिना, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाह रहे थे, कि कांस इज चांदी बिल्ली या चांदी बिल्ली इज गोइंग टू कांस। वहीं अब उनके सपोर्ट में टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती उतर आई हैं, जिन्होंने कई टीवी शोज में काम किया है। साथ ही कॉमेडियन कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन वाइफ बनकर सभी को हंसाया है। लेकिन इन दिनों वो काफी नाराज दिख रही हैं, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, लोग छोटे पर्दे के कलाकारों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और अक्सर उनकी तुलना किसी फिल्मी सितारों के साथ करने लग जाते हैं। स्टाइलिस्टों के कहने से डिजाइनर्स अपने कपड़े टीवी कलाकारों को नहीं देना चाहते। फिल्म या वेब शो के लिए भी ऑडिशन का मौका हमें नहीं दिया जाता, या तो फिल्मों में कलाकारों के विपरीत उन्हें लिया जाता है, या किसी छोटे से किरदार को निभाने के लिए उन्हें कास्ट किया जाता है। हम दिन रात मेहनत करने वाले कलाकार हैं, हमारा कोई फिल्मी या फिर बिजनेस बैकग्राउंड परिवार से नाता नहीं है। हम बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई से भी वाकिफ हैं। एक कलाकार सिर्फ एक कलाकार होता है, माध्यम चाहे जो भी हो, उन्हें इज्जत जरूर देनी चाहिए। तो इस तरह सुमोना ने उन लोगों पर अपनी भड़ास निकाली है जो छोटे पर्दे के कलाकारों को सीरियसली नहीं लेते हैं और उन्हें लेकर हमेशा भेदभाव किया जाता है। बता दें कि इससे पहले खुद हिना खान ने भी ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली थी। वैसे तो कांस फेस्टिवल में बॉलीवुड की भी कई एक्ट्रेसेस नजर आईं, लेकिन कांस 2019 में पहुंचकर हिना खान ने सभी की लाइमलाइट अपनी ओर कर ली। वेल, तो हिना खान का लुक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाय अस्मिता। ऑलराइट गाइस, गुड आफ्टरनून। I'm heading somewhere. I have an interview lined up today. I've been keeping very busy out here, and I hope you loved my look yesterday, my debut walk in Cannes 2019. I was very nervous and excited as well, and all I want to tell you people is that thank you so much for all the love, appreciation, heartfelt gratitude and lots of love to each one of you, be it my fans, my supporters, people who do not follow me but they did appreciate me on social media and the Indian media and international media, wherever people have appreciated me. Thank you so very much for all the appreciation, and it's a long way to go and it's just the beginning, but thank you again. That's all I wanted to say. Thank you guys. I'm gonna post some lovely pictures soon. Bye bye. Thank you.
Comment est-ce que c'est? Mon amour, Paris. Oh, finally we are back here after so many years, no? So many years. So. And in all these years I've lost so much weight. How many memories we have here, yeah. Some more. Sorry, what were you saying about? Namo Hari, I felt a little more visual. Our side profile is Sachin. No, Eiffel Tower की कैसा लग रहा है तुम लोगों को? क्या हुआ? नो थैंक्स। बोजू very tired. I'm life. Life? Yeah. I just started life right now. How are you people? Y'all know what's happening around and I have been keeping very, very busy and I have so many stories to upload, so many pictures to upload.